कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच आज पार्टी अध्यक्ष पद का चुनावी मुकाबला हो रहा है। दिल्ली के पार्टी मुख्यालय में और देश भर में 65 से अधिक केंद्रों पर मतदान हो रहा है। कांग्रेस के 137 साल के इतिहास में छठी बार अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कर्नाटक के बेलारी में भारत जोड़ो यात्रा शिविर में पार्टी के अगले अध्यक्ष का चुनाव करने के लिए अपना वोट डाला। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने दिल्ली में AICCC कार्यालय में अपना वोट डाला। कांग्रेस अध्यक्ष पद की वोटिंग डालकर बाहर निकली सोनिया गांधी ने कहा, मैं लंबे समय से इंतजार कर रही थी, मैं इसका लंबे समय से इंतजार कर रही थी। दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस नेता मनमोहन सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए दिल्ली में AICCC कार्यालय में अपना वोट डाला। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए मतदान शुरू हो गया है। दिल्ली के अलावा देश भर में बने मतदान केंद्र पर करीब 9000 डेलीगेट्स अगला कांग्रेस अध्यक्ष चुनेंगे। इस बीच दिल्ली में पी चिदंबरम ने अपना वोट डाला। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए आज मतदान शुरू हो रहा है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं जयराम रमेश सहित कई नेताओं ने वोट डाला। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए रायपुर में मतदान किया। वहीं ट्वीट कर कहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नए अध्यक्ष को चुनने की प्रक्रिया में मैंने भी अपना मताधिकार का प्रयोग किया। देहरादून में कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव को लेकर मतदान जारी है। उत्तराखंड के तमाम बड़े नेता मतदान कर रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर आज रांची में भी वोटिंग शुरू हो गई है। झारखंड में 319 डेलीगेट्स जो नेता हैं वो अपना मत देंगे। कांग्रेस भवन में चल रही वोटिंग में सदस्य अपना मत दे रहे हैं, मतदान पत्र के माध्यम से वोट दिए जा रहे हैं। दिल्ली से निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में प्रकाश जोशी रांची में मतदान करने का काम कर रहे हैं। 3 से 4 बजे तक मतदाता अपने मतों का प्रयोग कर सकते हैं। बीजेपी के पसमांदा सम्मेलन पर शफीकुर रहमान बर्क ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, बिका हुआ डरा हुआ मुसलमान सम्मेलन में जाएगा लेकिन बीजेपी को वोट नहीं देगा। 2024 का लोकसभा नजदीक है, ऐसे में बीजेपी सम्मेलन कर मुसलमानों का वोट हासिल करना चाहती है। मोनाल वेलफेयर सोसाइटी ने उत्तराखंड शिक्षा रत्न सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें अलग अलग क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। मोनाल वेलफेयर सोसाइटी, जो कि सामाजिक क्षेत्रों में पिछले कई सालों से काम करती आ रही है, उत्तराखंड शिक्षा रत्न सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्र में काम करने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया गया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में MSc की छात्रा योग्यता साहू ने कौशल्या धाम में लोक त्यौहार कार्यक्रम के माध्यम से छत्तीसगढ़ की संस्कृति को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया। जहां योग्यता साहू ने बताया कि माता कौशल्या धाम देश ही नहीं विदेशों में भी जाना जाता है। वाराणसी में 10 दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे आयुर्वेद विभाग के छात्रों का धैर्य टूट गया। आक्रोशित छात्रों ने आयुर्वेद विभाग की OPD पर ताला लगाया। इस दौरान OPD का ताला खुलवाने को लेकर BHU प्रक्टोरियल बोर्ड के साथ हुई छात्रों की धक्का मुक्की हो गई। देहरादून स्थित परेड ग्राउंड में सहायक अध्यापक, कनिष्ठ सहायक और स्टेनोग्राफी के चयनित अभ्यर्थियों ने पूरे देश में इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और CM आवास के लिए कूच किया।
आगरा में तपन ग्रुप की फैक्ट्री और प्रतिष्ठानों पर दिल्ली इनकम टैक्स की टीम ने छापा मारते हुए ऑफिस को सील कर दिया, आवागमन को भी बंद कर दिया। इनकम टैक्स से संबंधित कागजात को लेकर सुरेंद्र गर्ग मालिक से पूछताछ की जा रही। अमेठी में मामूली विवाद के चलते दो पक्षों में मारपीट हुई, जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट में आधा दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए CHC अस्पताल पहुंचाया। औरैया में सदर कोतवाली के मेहौली में भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं सड़क हादसे पर जनहानि पर CM योगी ने दुख जताया है। फरुखाबाद में अवधेश वाजपेयी के खुलेआम गुंडई का मामला सामने आया, जिसमें उसने महाकाल मंदिर के प्रांगण और मोहल्ले के लोगों के बनवाए गए धर्मशाला पर अवैध कब्जा किया। वहीं गाली देने का विरोध करने पर मंदिर प्रांगण में पड़ोस के रहने वाले लोगों को लाठी डंडों से जमकर पीटा। मैनपुरी में मामूली विवाद में दो पक्षों में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। पूरा मामला मैनपुरी के नवीगंज चौकी क्षेत्र के ग्राम मनिकापुर का बताया जा रहा है। अमरोहा में दुकान का सामान खरीदने को लेकर हुए विवाद में दो पक्षों में मारपीट और फायरिंग हो गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी। सितारगंज क्षेत्र में कोटेद्वारों द्वारा गरीबों के हक की अनाज की कालाबाजारी जमकर की जा रही है। कुछ दिन पहले ही सितारगंज क्षेत्र के सिसैया गांव में सरकारी अनाज की कालाबाजारी की शिकायत पर सितारगंज प्रशासन ने एक गोदाम में छापेमारी की थी, जिसके बाद उप जिलाधिकारी तुषार सैनी ने गोदाम को सील किया था। बुलंदशहर में तेज रफ्तार रोडवेज बस ट्रैक्टर ट्रॉलर से टकराकर खाई में पलट गई। हादसे में रोडवेज के ड्राइवर की मौत हो गई। DM के मुताबिक बस में लगभग 30 यात्री थे, जिनमें से 7 यात्री घायल हुए हैं। यूपी के जनपद कासगंज में एक एथेनॉल केमिकल से भरा तेज रफ्तार टैंकर मथुरा बरेली हाईवे मोड पर पलट गया। टैंकर पलटने से उसमें केमिकल भरे होने की वजह से अचानक तेज आग लग गई। धमाके के साथ टैंकर फट गया, धू-धू कर आग जलने लगी। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कन्नौज में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए CM ने 2 मंत्रियों को भेजा, जिसमें वन और पर्यावरण मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार और श्रम और सेवायोजन समन्वय विभाग मंत्री अनिल राजभर ने कासिमपुर में पहुंचकर पीड़ितों को राहत सामग्री बांटी। नेपाल से सटे सिद्धार्थनगर में बाढ़ ने इस साल पिछले 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जनपद की 2 प्रमुख नदियां अपना राप्ती और बूढ़ी राप्ती अपने उफान पर है। बाढ़ आई और लोगों के लिए मुसीबत बन गई। लखनऊ में 18 साल की लड़की से गैंग रेप का मामला सामने आया। लड़की का वीरांगना झलकारी बाई अस्पताल में इलाज चल रहा है। गैंग रेप मामले में किशोरी का फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। कानपुर में एक ही मोहल्ले के 3 बच्चे संदिग्ध परिस्थितियों में लापता होने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया, जिसके बाद मौके पर पहुंचे कमिश्नर और आला अधिकारी ने टीम बनाकर बच्चों की तलाश में जुट गई है। सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड ने शैक्षणिक वर्ष 2022 के लिए काउंसलिंग की संभावित तारीखों का ऐलान कर दिया है। CSB की स्पेशल काउंसलिंग राउंड इस महीने के आखिरी हफ्ते में शुरू हो जाएगी। काउंसलिंग 26 अक्टूबर 2022 को शुरू होगी, जो अगले दिन तक चलेगी। DU/UG एडमिशन के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सों में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएट और PhD कोर्सों में प्रवेश के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट आज यानी 17 अक्टूबर से हो रही है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस परीक्षा का आयोजन करा रहा है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने
कनिष्ठ सहायक और वरिष्ठ सहायक के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। योग्य उम्मीदवार रिक्तियों के लिए www.aai.acro पर जाकर ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख 14 नवंबर 2022 तक है। उम्मीदवारों के आवेदन स्वीकार किए जाएंगे तब तक। अंतिम समय में फॉर्म भरने पर होने वाली परेशानियों से बचने के लिए उम्मीदवारों को जल्द से जल्द आवेदन करने की सलाह दी गई है। हरियाणा में युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा मौका है। हरियाणा राज्य में जिला और सत्र न्यायाधीशों की ओर से पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों में कर्मचारियों की केंद्रीकृत भर्ती के लिए सोसाइटी ने क्लर्क पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। क्लर्क भर्ती के इच्छुक उम्मीदवार ssc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। शाहरुख खान के छोटे बेटे अब्राम ने ताइक्वांडो में गोल्ड मेडल जीता। ये पुरस्कार शाहरुख खान ने अपने बेटे को दिया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसे देखकर फैंस भी खुश हो रहे हैं। स्टेज पर शाहरुख खान ने बेटे अब्राम को गोल्ड मेडल पहनाया और चूम लिया, उन पर प्यार लुटाया। मौनी रॉय ने एक वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया, जिसमें वो लहंगे में रैंप वॉक करती नजर आ रही हैं। मौनी रॉय ने व्हाइट एंड ब्राउन लहंगा पहना है, जिसमें उनका किलर अंदाज देखने को मिल रहा है। इस वीडियो को देखकर फैंस जमकर रिएक्शन दे रहे हैं और एक्ट्रेस पर अपना प्यार लुटा रहे हैं। मिस वर्ल्ड रह चुकी मानुषी छिल्लर को फिल्मी दुनिया में आए अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ। उन्होंने इसी साल अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज से बॉलीवुड में कदम रखा। फिल्म तो बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हो पाई, लेकिन मानुषी के काम को हर किसी ने सराहा। इस निरोह अपनी आगामी फिल्म तेहरान को लेकर मानुषी सुर्खियों में है। KGF 2 की सफलता से गदगद फिल्म के मेकर्स अब एक और मास्टरपीस सालार लेकर आ रहे हैं। एक एक कर फिल्म के किरदारों से पर्दा उठाया जा रहा है। सालार में प्रभास और श्रुति हसन लीड रोल निभा रहे हैं। इनके बाद अब एक्टर पृथ्वीराज सुकुमारन का फर्स्ट लुक जारी कर दिया गया है। दृश्यम फ्रेंचाइजी की दूसरी फिल्म दृश्यम 2 जल्द ही सिनेमा घरों में रिलीज होगी। इस मर्डर मिस्ट्री की रिलीज डेट पास आते ही मेकर्स ने अपनी इस फिल्म का प्रमोशन शुरू कर दिया। इस क्रम में मेकर्स फिल्म से सभी कलाकारों को फर्स्ट लुक रिलीज कर रहे हैं, लेकिन अब निर्माताओं में नया पोस्टर साझा कर दृश्यम 2 के ट्रेलर रिलीज डेट का ऐलान किया। हिना खान ने हाल ही में एक फैशन शो में शिरकत की। इस दौरान वो ऐसे लुक में नजर आई जिसे देखकर फैंस के होश उड़ गए। फोटोज सोशल मीडिया पर छा गई, जिस पर लोग जमकर रिएक्शन दे रहे हैं। हिना खान ने इन फोटोज को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस वीडियो में कुछ लोगों को एक महिला के साथ प्रैंक करते हुए देखा जा सकता है। प्रैंक के दौरान प्लान के अनुसार वो चोरी करते हैं, जिसका खामियाजा उन्हें तुरंत ही उठाना पड़ जाता है। चोरी कर रहे एक शख्स को एक कुत्ता जबरदस्त सबक सिखाता है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग और तेज हो गई है। रूसी सैन्य शिविर पर आतंकवादी हमले की खबर है। मामले में 11 लोग मारे गए, 15 लोग घायल हैं। रूसी अधिकारियों का कहना है कि दो आतंकियों ने यूक्रेन के पास एक सैन्य फायरिंग रेंज पर गोलियां चलाईं। रूस के सैन्य ठिकाने पर आतंकवादियों का हमला किया गया।